नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। दोस्तों, यूपीएसआई की एग्ज़ाम डेट को लेकर एक नोटिस 27 अक्टूबर 2021 को प्राप्त हुआ है, जिसमें एक नई एग्ज़ाम डेट निकल के सामने आई है। वो एग्ज़ाम डेट है कि जो आपका एग्ज़ाम है ये 12 नवंबर से शुरू होकर 1 दिसंबर के समथिंग तक दोस्तों जो समाप्ति है उसके लिए बोला गया है कि भाई 12 नवंबर को स्टार्ट होगा और लगभग 1 दिसंबर को कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर साइड में उस नोटिस को ध्यान से देख पा रहे हैं और अब से पहले आप लोगों ने कई यूट्यूब चैनलों पर ये नोटिस ऑलरेडी देख लिया होगा। दोस्तों, अब ये नोटिस रियल है फेक है, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक चीज़ कन्फर्म कराना चाहता हूँ, अब से पहले भी इस प्रकार के कई नोटिस आप लोग देख चुके हैं, ठीक है, जिसमें जो सड़क मार्ग और सेंटर के बीच की दूरी है, नकल विहीन है या नहीं है, ऐसी सभी शिकायतों के बारे में बोर्ड पहले ही सूचना मांग चुका है। तो भाई, ऐसे में जब एग्ज़ाम 12 तारीख से है, एक बात यहाँ पर सोचने के लिए, भाई एग्ज़ाम जब 12 तारीख से है तो अब ऐसी सूचना मांगने का समय तो नहीं है, क्योंकि लगभग अब 10 दिन पहले 8 दिन पहले एडमिट कार्ड तो जारी करना होगा। और अभी वो एग्ज़ाम जो सेंटर हॉल होंगे, जो स्कूल होंगे, उनके बारे में सूचना बोर्ड मांग रहा है। तो भाई, वो जो लेटर आया है, हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक तरीके से वो क्या हो सकता है, वो एक तरीके से एडिट किया हुआ या फिर फेक हो सकता है। अगर हम 12 तारीख को एग्ज़ाम डेट माने तो, और अपने दिमाग से थोड़ा सा सोचें तो, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर, आप उस नोटिस को हल्के में भी मत लीजिएगा। हो सकता है अभी 3 दिन पहले की बात है, हमने एक न्यूज़पेपर में और आपने भी एक न्यूज़पेपर में देखा होगा, और मैंने वो खबर आप लोगों को तक भी पहुँचाई थी कि जो आपका एग्ज़ाम है वो शुरू होना है नवंबर के 3rd वीक में, यानी नवंबर के 3rd वीक में। और ये कौन से में शुरू हो रहा है? नवंबर के 2rd वीक में, जो 12 तारीख का एग्ज़ाम डेट है। तो भाई, थोड़ा सा आप लोग इसकी और तह तक जाइएगा। ये जो नोटिस आप लोग देख रहे हैं, जो वायरल हो रहा है, इस नोटिस की सच्चाई तक जाओ, ठीक है, इस नोटिस की सच्चाई तक जाओ। अगर सच्चाई तक नहीं पहुंच सकते हो तो अपने दिमाग में एक बात और जोड़ कर रखना कि एग्ज़ाम 12 तारीख से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। वैसे तो हम कहेंगे कि वो जो आप लोग पेपर देख रहे हैं, यहाँ पर जो पेपर देख रहे हैं, ये हमें नहीं लगता भाई हकीकत है, ठीक है। हमें तो ये जो पुराने अपडेट आई हैं उसी में बस डेट करेक्शन कर दिया है, बस ये ही उसमें किया है, क्योंकि अब से पहले कई बार ऐसे लेटर देखे हैं। कब तक मांगेंगे वो सेंटर वालों से कि भाई अपने सेंटर की हमें जान पहचान करवाइए, नकल के मामले में कैसा है, स्टेशन से उसकी दूरी कितनी है, यातायात के साधन कैसे हैं। अब ये समय यातायात के साधन और स्टेशन के बीच की दूरी, ये सब मांगने का नहीं है, ये समय है एडमिट कार्ड जारी करने का, क्योंकि एग्ज़ाम को लेकर मात्र 16 दिन बचे हुए हैं। अगर 12 तारीख को आधार मान के देखा जाए, हालांकि 16 दिन होते बहुत हैं, 16 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपका जो एडमिट कार्ड है हो सकता है 8 दिन पहले ही जारी किया जाए, ठीक है, 8 दिन पहले ही जारी किया जाए। अब आप लोग मान के चलिए आज 29 तारीख है, आज 29 है और लगभग 3-4 से त्योहारों की छुट्टी है, तो 7-8 लगभग इसमें हो जाएगी, 7-8 के समथिंग में तारीख इसमें हो जाएगी। तो भाई, लगता नहीं है कि 12 तारीख या तो त्योहारों से पहले आपके एडमिट कार्ड आने चाहिए या फिर त्योहार हटने के तुरंत बाद आपके एडमिट कार्ड आने चाहिए, अगर 12 से शुरू है तो। लेकिन जैसे कि त्योहारों का पीरियड बीच में आ रहा है, तो उस हिसाब को देखते हुए इस डेट पर ज़्यादा कन्फर्म और ज़्यादा विश्वास करने को मन करता है, क्योंकि जो 2nd वीक होगा नवंबर का, उसमें आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा अगर एग्ज़ाम यहाँ पर रखा जाता है तो। और मैं भी कहूँगा, मैं भाई 12 तारीख के साथ में ओनली 10% हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्ज़ाम 12 तारीख से नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन इसके साथ में हम 90% हैं, 90% एग्ज़ाम आपका नवंबर के 3rd वीक से शुरू होगा, लेकिन 10% ऐसा केस भी हो सकता है
कि 12 तारीख से भी एग्ज़ाम शुरू हो जाए। तो दोनों ही डेट आप अपने दिमाग में संभाल कर रखिएगा। ज़्यादा समय नहीं है, ज़्यादा टाइम का अंतराल नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 दिन हो सकता है, इससे ज़्यादा अंतराल दोनों ही डेट में नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये नवंबर का थर्ड वीक आप लोग बोलेंगे कि नवंबर का थर्ड वीक ज़्यादा समय बाद थोड़ी ना शुरू होगा, 14-15 से शुरू हो जाएगा नवंबर का थर्ड वीक, ज़्यादा समय नहीं रहेगा, 2 से 4 दिन का ही अंतराल इन दोनों डेटों में होने वाला है। तो ये भी आप अपने दिमाग में सोच के रखिएगा इस डेट को भी। दोस्तों सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन से ऐप को डाउनलोड कर लेना, उसके बाद में आप इसे जैसे ओपन करोगे और लॉगिन कर लोगे उसके बाद में आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो उसकी टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए यूपीएसआई करंट अफेयर, यूपी कॉन्स्टेबल, चलिए मैं आपको यूपी कॉन्स्टेबल पर क्लिक करके दिखाता हूँ। मैंने यूपी कॉन्स्टेबल पर क्लिक किया, अब आपको टेस्ट सीरीज एक तो डेमो फ्री क्लास मिल जाएगा, देख सकते हो फ्री डेमो टेस्ट, इसे आप फ्री में देख सकते हो, लेकिन आपको दूसरे टेस्ट जो उनके लिए आपको पे करना हो। जैसे आप इस पर अनलॉक कोर्स पर क्लिक करोगे नीचे आके तो आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको पे एट वंस पर क्लिक करना है और आपको एंटर प्रोमो कोड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको हमारा प्रोमो कोड यूज करना जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, ये हमारा प्रोमो कोड आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। मैं आपको दिखा देता हूँ अप्लाई करने के बाद देख लीजिएगा कूपन अप्लाई, तो देख सकते हो 149 रुपये आपको सिर्फ पे करने और आप यहाँ पे कंटिन्यू एंड पे पे क्लिक कर देंगे तो इस ऐसा करने से आपको पेमेंट कर देनी है, यूपीआई पेमेंट, पेटीएम बैलेंस, डेबिट कार्ड, जिससे आप मन करो उससे पेमेंट कर सकते हो और आप इजीली अपने टेस्ट की तैयारी कर सकते हो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। इस डेट को भी 12-11 जो आई है, इस लेटर को हम पूरी तरीके से फर्जी करार नहीं दे सकते, लेकिन अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से हम कह सकते हैं कि भाई ये थोड़ी सी अपडेट मिसिंग है। क्योंकि बस एक शक इसी बात पे जाता है कि अगर 12 तारीख से एग्ज़ाम है तो ये समय सेंटर के बारे में, उसके बारे में पूछताछ करने का नहीं है, क्योंकि अब से पहले उन्होंने ये सारी चीज़ें कर ली होंगी, कवर अप कर ली होंगी, अगर एग्ज़ाम डेट 12 तारीख निकाली होगी तो, ठीक है। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ आप लोग, भाई एग्ज़ाम आप लोगों का नवंबर के दूसरे वीक में हो या तीसरे वीक में हो, क्योंकि ये दूसरे वीक में हो जाएगा और 15 से ऊपर 15-16 में जाके तीसरा वीक लग जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दिन 5-6 दिन का ये अंतर, इससे ज़्यादा अंतर इन दोनों डेटों के बीच नहीं है। तो बस ये चीज़ थोड़ी सी घुमाने वाली है, कन्फ्यूज़ करने वाली है, कन्फ्यूजन हटाइए अपने दिमाग से। एग्ज़ाम होगा, होता रहेगा, जिस भी डेट में होगा, 2-4 दिन का अंतराल है इसमें, 90% हम इसके साथ हैं और 10% हम इसके साथ हैं, इसमें भी एग्ज़ाम हो सकता है, इसमें भी एग्ज़ाम हो सकता है। अब आप लोगों के भाई बस एक बात आपको ये निकालनी है कि ये जो लेटर आया है ये निष्कर्ष निकालिए कि ये फेक है या रियल है, ठीक है, ये फेक है या रियल है, ये निष्कर्ष आप लोग खुद से निकालिए। और जो भी आप लोगों के बड़े बड़े यूट्यूबर हैं भाई उनसे पूछिए, ठीक है, वो भी कन्फ्यूजन में छोड़ दिए हैं इस बात को कि भाई हम नहीं कह सकते ये रियल है फेक है, ठीक है, क्योंकि पुरानी कटिंगों के अनुसार देखा जाए तो ये थोड़ा सा फेक प्रतीत होता है। लेकिन दोनों ही जब एग्ज़ाम डेटों को मैच किया जाता है और जब ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है तो थोड़ा सा विश्वास करने के लिए मन भी करता है, 10% विश्वास करने के लिए मन करता है और 90% ये अखबार में जो अपडेट 3 दिन पहले दी गई है कि भाई नवंबर के तीसरे वीक में शुरू हो जाएगा, तो इस बात पर विश्वास करने के लिए थोड़ा ज़्यादा मन करता है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ भाई, जब भी आपका एग्ज़ाम हो नवंबर के सेकेंड वीक में, थर्ड वीक में, 12 तारीख से शुरू हो, आप अपनी तैयारी पूरी रखिए, ठीक है, कन्फ्यूज़ मत होइए, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है, ठीक है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, निष्कर्ष निकालिए इस बात का कि ये सही है या गलत है। Thank you. Bye-bye.